देख रहे हैं डार्क म्यूजिक क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है बम के लेरोमीटर, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जनरली कोल एनालिसिस करते हैं तो बम के लेरोमीटर से ही करते हैं, राइट। वो कंपनी अलग अलग हो जाएगा, जैसे कहीं आइका मिल जाएगा, कहीं पार 6200 मिल जाएगा, कहीं पार 6400 मिल जाएगा, कहीं पार 6400 पार 6600 मिल जाएगा। वो अलग अलग रहता है, लेकिन मेनली क्या करते हैं, हम बम कैलोमीटर ही यूज करते हैं कोल एनालिसिस के, ठीक है, ग्रेडिंग के लिए। तो उसमें क्या होता है, जो बम कैलोमीटर होता है उसमें बहुत सारी क्या होता है, परेशानियाँ होते हैं। जैसे जैसे आप एनालिसिस करते जाओगे वैसे वैसे कुछ ना कुछ आपको परेशानी होते जाएंगे। अब उसमें बहुत सारे ऐसे परेशानियाँ हैं जिसको आप खुद से ठीक कर सकते हो। तो उसी छोटी छोटी परेशानियों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, आपसे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हम जब कोल एनालिसिस करते हैं, 1 ग्राम कोल को क्या डाल देते हैं, पार मशीन में डालते हैं, ठीक है, या बम कलेक्टर में डालते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बीच में लाइट बंद हो जाता है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो जाता है, या हमारे पास फाइल बहुत ज़्यादा हो, उसके लिए क्या हो जाता है, मशीन कभी कभी ऑफ हो जाता है। तो ऑफ होता है तो क्या हो जाता है, हमारा जो एनालिसिस है वो बीच में ही रुक गया। बीच में रुक गया तब उसको हम निकालने जाते हैं तो क्या होता है, बम हेड फंस जाता है। अब उसको निकालने के लिए हमको एग्जास्ट करना पड़ता है। अब एग्जास्ट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसको हम एक फालू क्या कहें चार्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको हम जाके उसको क्लियर करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो डिस्प्ले रहेगा उस डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद क्या करते हैं, मेन मेन्यू टेप करना है। टेप करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पे डायग्नोस्टिक का। याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेन मेन्यू गए, मेन मेन्यू जाने के बाद क्या करें, डायग्नोस्टिक में किए हैं। डायग्नोस्टिक में करने के बाद हमको जब फिर से ऑप्शन मिलेगा तो आई अपान ओ हो जाएगा, उसको भी क्लिक करना है, तो हमको फिर से डायग्नोस्टिक मिलेगा। अब डायग्नोस्टिक मिलता है उसके बाद ऑप्शन आता है हमको, ठीक है, तो पंप सील आता है। तो पंप सील को हमको नहीं काम है, हमको एग्जास्ट काम है, फिर से हमको आगे बढ़ना है। तो हमको क्या मिल जाएगा, सर्कुलेटर पंप मिल जाएगा, इसका भी हमको कोई काम नहीं है, फिर से आगे बढ़ना है, तब हमको एग्जास्ट मिलेगा। एग्जास्ट मिलेगा, इसमें ऐसा एरो का निशान रहेगा दोनों तरफ, 10 रहेगा। तो हमको एग्जास्ट करने के लिए पहले 1 पे क्लिक करना होगा, फिर 0 पे क्लिक करना होगा, तब आपको साउंड आएगा। साउंड आएगा तो मतलब वो बम का हेड क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फिर से एक बार आपको क्या करना है, आगे जाना है और ड्रिल में करना है, तो 10 दोनों में करना है, दोनों में करना है, तो फिर से आवाज़ आएगा, फिर आपको स्केप करके बाहर आना है, फिर जाके आप बम हेड को खोल सकते हो, तब वो क्या रहेगा, पूरा फ्री हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जब ये छोटा छोटा परेशानी है जिसको आप खुद से अपने से क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, राइट। हमने क्या बताया, जब क्या होता है पार मशीन में या बम कैलोमीटर में बम हेड फंस जाता है, ये किस लिए फंसता है, तो कभी गैस खत्म हो जाता है, कभी सॉफ्टवेयर इशू हो जाता है, कभी लाइट हो जाता है, ये 3-4 जब रहेगा उस बीच में क्या होता है, फंस जाता है। और ये क्या होता है, जनरली क्या होता है, एनालिसिस के बीच में ही होता है, एनालिसिस के बीच में होता है, उसी दौरान क्या होता है, ये जाम हो जाता है, उसको हमको क्या करना है, एग्जास्ट करना रहता है एक्चुअल में। अब एग्जास्ट भी डायरेक्ट नहीं आता है, मेन मेनू में जाना पड़ेगा, फिर डायग्नोस्टिक में जाना पड़ेगा, फिर आईओ में, फिर डायग्नोस्टिक में, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, पंप सील आएगा, पंप सील के बाद हमको सर्कुलेटर पंप में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमको एग्जास्ट आएगा। एग्जास्ट आएगा तो उसको 10 दोनों को बारी बारी क्या करना है, टेप करना है तो साउंड आएगा, ठीक है, साउंड आएगा मतलब वो रिलीज कर रहा है। फिर से हमको ड्रिल करना है तो फिर से साउंड आएगा 10 में, फिर क्या करना है, उसको स्केप करना है, स्केप करके क्या करना है, बाहर आना है, फिर हम जाके बम को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, जब बम फंसने के कंडीशन में है। अब दूसरा देखते हैं, अगर हमारे पास क्या होता है, हम 1 ग्राम सिंपल ले रहे हैं, 1 ग्राम सिंपल की जगह अगर हम धोखे से 2 ग्राम ले लिए, उसको हमको क्या करना है, एडिट करना है। तो बीच में आपको एडिट नहीं करना है, सिंपल को एनालिसिस होने देना है, होने के बाद आप ही क्या कर सकते हैं, उसको आप उसको एडिट करिएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सोर्स में आपको डिस्प्ले वैल्यू में दिख जाएगा, सोर्स दिखेगा, सोर्स में ही जाके क्लिक करोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद क्या कर सकते हो, आप जितना ग्राम लिए हो उसको लिख सकते हो, फिर डिस्प्ले वैल्यू आएगा, उसको आपको लिखना है। ये 2 समस्या हो गया। तीसरा हम देखते हैं, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइल हो गया, जैसे कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, हो सकता है हमारे पास 5000-6000 फाइल हो गया, उसको हमको क्या करना है, डिलीट करना है। ऐसा डिलीट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हो जाता है, सॉफ्टवेयर स्लो होने लगता है। जो हमारे पास सिंपल 6 मिनट में आने वाला है वो हो सकता है 10 मिनट में आए, इसीलिए हमको क्या करना है, फाइल को मैनेज करके रखना है। तो फाइल को मैनेज करने के लिए हमको क्या करना होता है, फाइल को मैनेज करने के लिए हमको इसमें
इसको डिलीट करना होता है समय समय में। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मेन मेनू में जाते हैं। मेन मेनू में जाने के बाद क्या करते हैं, फाइल मैनेजमेंट में जाते हैं, फिर रन डाटा में जाते हैं, फिर फाइल मैनेजर ओपन होता है, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें देखते हैं तो ऑप्शन खुल जाता है रीनेम का, डिलीट का। तो ठीक है, अगर रीनेम है तो रीनेम का भी बताएंगे, पहले डिलीट का देखते हैं। तो फिर जितना भी आपको डिलीट करना है उस ऑप्शन से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये तीसरा केस हो गया। चौथा केस का बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, कोड हम उल्टा डाल चाहिए, ठीक है, नाम दूसरा डाल चाहिए। अब हमको जो नाम सुधारना है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको सेम प्रोसीजर करना होगा, मेन मेनू में जाना होगा, फिर क्या होगा, फाइल मैनेजमेंट होगा, रन डाटा होगा, फाइल मैनेजर, फिर हमको रीनेम आएगा, तो रीनेम में आप उसको नाम सही कर सकते हो। ये छोटे छोटे परेशानियाँ हैं जो आप जब कोल एनालिसिस करोगे कैलोरीमीटर से, तो ये छोटा छोटा परेशानियाँ आपको सामना करना पड़ेगा। और आप छोटा छोटा परेशानियाँ को डरना नहीं है, अपने से खुद से क्या कर सकते हैं, इसको जब एनालिसिस आप करने लगोगे धीरे धीरे, तो ये आपको पूरा क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, राइट। आज हम देखें क्या क्या चीज़ ये बताते हैं। सबसे पहले हमने पार्क जो मशीन के जितने भी छोटे छोटे परेशानियां हैं कोल एनालिसिस करते समय, कोल एनालिसिस करो या फिर आप ऑयल एनालिसिस करो, कुछ भी एनालिसिस करो कैलोरीमीटर से, जितना भी आपको कुछ कुछ समस्या है, वो छोटे छोटे समस्या जिसको हम खुद से क्या कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे बम हेड फंस गया उसको हम ठीक कर सकते हैं, फाइल ज़्यादा हो गया उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, रीनेम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये चार पांच टॉपिक है जिसके बारे में हमने आपको बताया है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, अगर बम लिमिट क्रॉस हो गया तो उसके लिए हमको क्या करना है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।